शालोम। खुदावन की राजबासी की तलाश हमारे किरदार को बुलंद करती है। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। एक बार मसीह ने कहा था कि पहले हमें खुदा की रास्तबाजी की तलाश करने की जरूरत है, और खुदा की रास्तबाजी असल में उसी शख्स ने जाहिर की जो उसकी सूरत पर था। मुकद्दस यूहन्ना अपने अंजीली तहरीर के पहले बाब उसकी 18वीं आयत में लिखते हैं कि खुदा यीशु के जरिए ही दुनिया पर जाहिर हुआ, और यीशु लूका 18वें बाब उसकी 22वीं आयत में कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो। तो इससे यही मुराद है कि ना सिर्फ उस पर ईमान रखो बल्कि उसके कहे और अमल के मुताबिक अमल भी करो। आज दूसरों को हमारे अंदर से मसीह की खुसूसियात दिखना जरूरी है। मत्ती 5वां बाब मशहूर तरीन बाब है जिसमें यीशु एक पहाड़ पर मौजूद हैं और लोगों को तालीम देते हैं। यीशु इस बाब में हमारे लिए इंसानी किरदार की आला खुसूसियात बयान करते हैं। एक मसीही को आजिज, बेगुनाह, नरम दिल, खुदा की रास्तबाजी के लिए जोशीला, रहम दिल, खुदा प्रस्त और अमन कायम करने वाला होने की जरूरत है। ये तमाम खसूसियात हर सच्चे मसीही यानी एक मोमन में मौजूद होती हैं, क्योंकि हम में पाकलू बसता है। अजीजों, याद रखिए, ये खसूसियात तभी मुमकिन होती हैं जब हम तुंदही से इनका पीछा करते हैं और इनको अपनी जिंदगी गुजारने का सबब समझते हैं। अजीजो, ये खूबियां या ये खुसूसियात वदियत नहीं होती बल्कि इनको हासिल किया जाता है, इनको अपनी जिंदगी पर लागू किया जाता है, इनको रोज बरोज अपनाया जाता है। इन खुसूसियात को अपनाने में और इनको अपनी आदत बनाने में देर लग सकती है, लेकिन इनको हासिल करने की कोशिश करने में मायूसी का शिकार नहीं होना, क्योंकि मायूसी शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे एक ईमानदार को बेईमान होने में देर नहीं लगती। इसीलिए पत्रस रसूल अपने दूसरे खत में उसके पहले बाब उसकी 8वीं से 10वीं आयत में इस तरह कहते हैं, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाए तो तुमको हमारे खुदावन यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगे, और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोता नजर और अपने पहले गुनाहों से धोए जाने को भूले बैठा है। बस भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। इसी तरह यूहन्ना अपने पहले खत के 3रे बाब उसकी 6ठी आयत में कहते हैं कि जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। यूनानी मतन में इस आयत का मतलब ये है कि वो गुनाह करता ही नहीं रहता। अजीजों, जब हम ईमानदार होने के लिए यीशु के पास आते हैं तो ये तमाम खुसूसियात को हमें अपनाने में देर लगती है, लेकिन हमने इनको अपनाना जरूर है। कहीं अपनाने में मुश्किल पेश आती है तो खुदा से मदद मांगनी है, और याद रखें उसके फर्ज के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते, लिहाजा इस काम के लिए भी उसका फर्ज मांगते रहा करें। यूहन्ना इसी बाब में 7वीं आयत में कहते हैं कि अगर हम रास्तबाजी के काम करते हैं तो हम यीशु की मानिंद हैं, लिहाजा हमें यीशु की रास्तबाजी को अपना वतीरा और अपना किरदार बनाना है। और इसी बात की तालीम यीशु मत्ती 5वें बाब में दे रहे हैं। हमें जिस्मानी तौर पर मरने और रूह में जिंदा रहने की जरूरत है। रूमियों 8वां बाब उसकी 13वीं आयत में रकम है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नीस तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसी वजह से यीशु मत्ती 5वां बाब उसकी 13वीं आयत से 20वीं आयत में एक ईमानदार को दुनिया में नमक और रोशनी बनने की तालीम देते हैं, और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि हमारी रास्तबाजी दिखावे के तौर पर नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारा मकसद खालिस, सच्चा और रूह से भरपूर होना चाहिए, फिर इसमें दिखावा नहीं रहेगा। आज जरा सोचिए,
आप में किन खसूसियात की कमी है? आपको मसीह की तमाम खसूसियात को अपनी जिंदगी में जाहिर करने के लिए किन तब्दीलियों की जरूरत है? और आप और हमें रोज बरोज इन खसूसियात में कैसे बढ़ना है? इन तमाम सवालात पर गौर कीजिए और मैं दुआगुआ हूं कि खुदावंद में आपका ये दिन बाबरकत और मुबारक हो। सलामत रहिए।